ज्यादा सीटें आएंगी वो बनेगा मुख्यमंत्री, तो फिर शिंदे जी क्या करेंगे? नहीं, आप खामा खा का कोई डिसोनेंस मत डालिए, मैंने आपको स्टैंड बता दिया है, हम लोग तय कर लेंगे हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ, दुखती रग है आपकी, दुखती रग कुछ नहीं है। पहले तो महायुति का तो मुख्यमंत्री अभी है, आप बताइए ना महाविकास का कौन है, महाविकास अगाड़ी कौन लेकर आ रही है, कोई मानने को तैयार नहीं। जवाब तो देने दीजिए सुशील जी को, जवाब तो दे देने दीजिए ना, आप काहे चिंतित हो रहे हैं? मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं तो आपको बता, पहले तो पहले अपना वो जो रूबिका जी, हाँ हाँ सुशील जी, अशोक चव्हाण जी हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, उनकी व्यक्तिगत राय रही होगी, लेकिन ये भी तय है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी, तारीखों की घोषणा हो चुकी, और इस समय हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में इस चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, ये महायुति की सरकार हमारी 100% बनने जा रही है, बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, इसका फैसला जैसे सहजाद भाई ने कहा चुनाव हो जाने के बाद हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे महायुति के, वो बैठ करके अपना फैसला ले लेंगे। जहां तक सवाल चुनाव में जाने का है, हम निश्चित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे का चेहरा सामने रखकर चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। यही बात आप मानते हैं? हमारे वो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनके आने से ही हमारी सरकार बनी, तो इसमें कोई दो राय की बात है। हम मुख्यमंत्री लाड़की बहना योजना चला रहे ना, तो मुख्यमंत्री जी के नाम पर है। हाँ। पर मैं पूछना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे हर गली मोहल्ले घूम के आए, दरकार लगा कर आए सोनिया माता के दरबार में, फिर भी उनको नेतृत्व नहीं दिया गया। किशोर तिवारी जी, सावरकर जी का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, और उद्धव ठाकरे जी का इतना घोर अपमान कैसे सहती है उद्धव सेना वाले? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सीमा मलिक जवाब देंगे इसका, सीमा जी को पूछ लीजिए, उद्धव जी के बारे में शरद पवार ने क्या बोला, एनसीपी उन्होंने तो बोला कि उद्धव जी को कैसे बनाएंगे। शरद पवार गुट से सीमा मलिक हमारे साथ है, सीमा जी मैं सिर्फ इनसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अपने अलायंस पार्टनर्स का बेइज्जती ये लोग करते हैं, और किस तरह से वो उनका अपमान इस तरह से सहते हैं, चाहे वो अजीत दादा पवार हो या जो भी हो, जिस तरह का अपमान इन्होंने हमेशा किया है उनका, यहाँ तक कि ये भी कह बोल रहा है कि हमें उल्टी आती है उनके पास बैठने से, जो हमारी मैगजीन्स हैं ऑर्गेनाइजर और ये सब, उनमें किस तरह की बातें उनके बारे में बोली गई हैं, तो अपमान तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपना अलायंस का, और ये कोई बात नहीं है। और देखिए जो ये इस समय जो इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह लोकसभा में लोगों ने अलायंस का ये लोग अपमान करते हैं, आपके तो शरद पवार के भतीजे कह रहे हैं कि वो हमारा अपमान करते हैं और इसीलिए मुझे पार्टी तोड़कर जाना पड़ गया। अपमान करते हैं, बीजेपी उनका अपमान करती है, हम नहीं उनका अपमान करते। कितना अपमान उनका किया गया है आप देखिए, ऑर्गेनाइजर ने उनके बारे में क्या निकला है, उनको उनके मंत्रालय को ये महान अलायक मंत्रालय कहते हैं, बोलते कि आपके पास बैठने से हमें उल्टी आती है, और ये सब से ये अपमान नहीं है, ये कैसा अपमान है, कोई आत्मसम्मान नहीं है उनका, मैं तो ये सवाल उठाते हैं। जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन, आप लोग अपने साथियों का सम्मान नहीं रखते हैं, शिवसेना के साथ भी आपने एक ही वाक्य बोलूंगा, मैं एक ही वाक्य बोलूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हैं वो इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स है, उनसे पूछे, बाळासाहेब ठाकरे जी ने शरद पवार जी के बारे में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ही इज अ स्काउंडरल, ये मेरे शब्द नहीं है, मुझे मत बोलना। और सोनिया जी के बारे में तो क्या बोला था, वो रैली में मैं सुना दूंगा तो लोग शर्मसार हो जाएंगे, उन्होंने बोला था डैश झुकते हैं सोनिया के सामने, तो ये बाळासाहेब ठाकरे जी, हम तो बाळासाहेब ठाकरे जी के पच्चीनों पर चलते हैं, आप बता दो आप चलते कि नहीं चलते, सीमा जी बाळासाहेब ठाकरे जी की बात मानते कि नहीं मानते बताइए, बाळासाहेब ठाकरे जी ने शरद पवार पे और सोनिया जी पे जो बोला था सही गलत बोलिए। देखिए बेकार की बात है ये, बिल्कुल बाळासाहेब ठाकरे की बात बेकार की बात है, नहीं बाळासाहेब ठाकरे की बात बेकार की बात है, ये किस प्रकार की प्रवक्ता है? नहीं मैं पूछता था तो किशोर तिवारी जी से, किशोर तिवारी जी बाळासाहेब ठाकरे की बात बेकार बात है क्या? बाळासाहेब ठाकरे की बात बेकार बात है क्या? नहीं बाळासाहेब ठाकरे की बात को बेकार कैसे बोलेंगे आप? नहीं किशोर तिवारी जी ये अपमान है, ये हमारे नेता का अपमान है। मैं आपको बात कर रही हूं कि आप बेकार के लिए और मिसली जरा मैं जवाब अननेसेसरी, नहीं बाळासाहेब ठाकरे की बात बेकार बात है, आज इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, इलेक्शंस की बात करी और मेरे किशोर तिवारी जी आप ये सही करेंगे? एक सवाल, देखिए जितना अग्रेसिव यहां पर बीजेपी नजर आ रहा है, सीमा जी मैं मौका दूंगी, लेकिन ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो शिवसेना उद्धव गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे के बेटे, आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं जिनको किसी वक्त अपशब्द कहा करते थे, यही तो पूरी केमिस्ट्री डायनामिक्स चेंज हो गया ना महाराष्ट्र के, तिवारी जी जवाब दीजिए, सीमा जी आई एम कमिंग टू यू। हाँ देखिए रूबिका जी मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि यह प्रश्न बीजेपी हरदम पूछती है कि हमने
हिंदुत्व छोड़ दिया, हम सोनिया जी के पैरों में चले गए, शरद पवार के दरवाजे जाते हैं। अब जनता के दरवाजे अब जाने का समय आ गया, लोग निर्णय लेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर समय समय पर राजनेता अपने पूरी पूरी विचारधारा और मत बदलते हैं, क्योंकि अरे एक पार्टी मुझे बताइए जिसने विचारधारा बदल दी हो सर, एक पार्टी मुझे बताइए। तो कांग्रेस आज भी अपनी विचारधारा पर कायम है, उससे टूटी हुई तमाम पार्टियां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अपनी विचारधारा पर कायम है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पर कायम है, आरजेडी अपनी विचारधारा पर कायम है, जेडीयू अपनी विचारधारा पर कायम है, आपने अपनी विचारधारा ही बदल दी। हिंदुत्व के शेर कहे जाने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा बदल दी कुर्सी के लिए। एक मिनट, मैं विचारधारा यानी ओपिनियन की बात कर रहा था, पीपल गो, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ, ये आपका ओपिनियन तो रख सकते हैं आप अपने पास, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, विचारधारा। एक मिनट, आइडियोलॉजी में हमारा हिंदुत्व ये बनिया और ब्राह्मणों का नहीं है, हमारा हिंदुत्व बहुजन का है। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने दो शहजाद, और आप बोलते रहिए, हमारा फायदा ही है, आप बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए, बोलते रहिए भाई, बनिया ब्राह्मणों का नहीं है। हाँ, और आगे बोलिए, क्या विचारधारा बदल दी, विचारधारा जिहाद करवा दिया हमने, बोलिए और बोलिए, सावरकर जी को त्याग दिया, हिंदुत्व को त्याग दिया हमने, हमने जो लोग हिंदुत्व को आइसिस बोलते उनके साथ बैठ गए, सावरकर जी को जो अपमान करते उनके साथ बैठ गए, बोलिए और बोलिए, बोलिए, मैं तो बोलूं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। एक तो वो शब्द वापस लीजिए, आज आप आज बड़ी उटपटांग चीजें कर रहे हैं, मतलब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे ये वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं सब कुछ, क्या बनिया ब्राह्मण क्या होता है, सब अपने बनिया और ब्राह्मण होना पाप है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बौद्ध बौद्ध को मांगता हूँ, तो मैं एक बात बोल दूँ तुमको, कुछ हिंदुत्व 2% लोगों के लिए चलाते हैं जो आरएसएस है, लेकिन हम 98% हिंदुओं के करता धरता है, एससी एसटी और इतनी हैसियत हो गई आपकी, क्या आप 90% हिंदुओं के करता धरता है, हैं? ऐसा नहीं, क्या कर दिया आपने, की पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक चले गए, करता धरता है हिंदुओं के, अरे चुरा लिए हाँ, चुरा लिया आप, आपके यहाँ चोरी हो गई और आपको पता ही ना चला, विधायक चोरी हो जाते हैं और तिवारी जी यहाँ पर बनिया और ब्राह्मण करते रह जाते हैं। अरे भाई, एक बार गद्दारों ने गद्दारी कर ली, बार बार थोड़ी होगा, ठीक है, अभी भी अगर सजा किसे मिलेगी, ये सवाल है ना, ये वो इम्तिहान है जहाँ सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समीर चौगाकर जी, ठीक है तिवारी जी, गिव मी अ मोमेंट सर, बताइए। देखिए रूबिका जी, अभी 3 दिन पहले की बात है, दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे ने जो रैली की थी शिवाजी पार्क में, आप देखिए उस रैली के अंदर उद्धव ठाकरे ने जब रैली का अंत के समय स्क्रीन पे दिखा रहे थे अपने शपथ ग्रहण समारोह का पूरा, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उस दिन उद्धव ठाकरे को ये बताना चाहिए था कि मैंने क्या काम किया 2.5 साल के अंदर, और उस 2.5 साल के अपने काम गिनाते, बहुत दिखा रहे थे कि मैंने शपथ ग्रहण की, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर अब सत्ता जिहाद कर रहे हैं, सत्ता जिहाद के लिए उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं,